हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। रिकवरी फूड के सेक्शन में आज हम लोग जान रहे हैं किनुआ खिचड़ी। बेसिकली ये पर्टिकुलर खिचड़ी एपेटाइट बढ़ाने के लिए काम करेगा। शायद मेरा बच्चा एकदम ही कम खा रहा है, पहले बहुत अच्छे से खा रहा था। मेरा बच्चा बीमार पड़ने के बाद सडनली क्वांटिटी एकदम कम खा रहा है। मेरा बच्चा बोलता है मेरा भूख ही नहीं लग रहा है। सो बच्चे का एपेटाइट बढ़ाने के लिए ये पर्टिकुलर रेसिपी आपको काम करेगा। यस, इस रेसिपी में आप लोग ऑब्जर्व करोगे कुछ स्पाइसेस यूज किए हम लोगों ने, और बेसिक उसका जो कंटेंट है किनुआ, जो हाई प्रोटीन हाई फाइबर माना गया है, जो आपके बच्चे के एपेटाइट को रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो इट्स अ हीलिंग रेमेडी। सो अगर आप में से किसी के भी बच्चे को भूख में दिक्कत आ रही है, पेट की दिक्कत आ रही है, तो ये पर्टिकुलर रेसिपी आपके लिए 100% हेल्प करेगा। वीडियो के उस तरफ हम आज आपके सवाल का जवाब देंगे कि बच्चे बार बार बीमार क्यों पड़ते हैं और क्या हम लोग उसके लिए कुछ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहले बनाते कैसे एपेटाइट रिकवरी फूड में बनाएंगे किनुआ खिचड़ी। लेट्स सी। बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिकवरी के लिए, बट वो टेस्टी वे में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए किनुआ खिचड़ी। हम लोग को चाहिए किनुआ करीब एक बाउल वॉश प्रॉपरली, उसके साथ मूंग दाल, अगर आपको पॉसिबल हो तो ग्रीन मूंग दाल भी ले सकते हो, देन कैरेट, याद रखो हीमोग्लोबिन, ब्लड, टेस्ट, वेजीज, प्रोटीन, इन सभी पे का काम करना, अदरक, चॉप्ड अनियन, फिर मिंट लीव्स टेस्ट के लिए, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टोमेटो। याद रखो ऑल ऑफ यू, हम लोग स्पाइसेस के लिए सिनेमन और पेपर थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है तो आप ये दोनों जो खड़े मसाले हैं उसको अवॉइड भी कर सकते हो। हम लोग मिक्सर के बर्तन में डाल रहे हैं मूंग दाल, किनुआ, याद रखो हम लोग उसको थोड़ा और दरदरा कर रहे हैं, ताकि बिकॉज बच्चा बीमार है तो स्पिटअप बहुत ज़्यादा करता है, तो वो अवॉइड करने के लिए। कुकर में हम लोगों ने घी का तड़का डाल दिया, उसमें खड़े मसाले, अगर आपको खड़े मसाले अवॉइड करने हैं तो आप थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देना, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये एक बहुत अच्छा खुशबू देगा, एक अच्छा फ्लेवर देगा आपकी खिचड़ी को। फिर आपको उसमें डालना है फाइनली चॉप्ड अनियन। याद रखो ऑल ऑफ यू, अनियन का कलर चेंज होने तक, प्याज का कलर चेंज होने तक हम लोग उसको भूनना है। फिर डालेंगे टमाटो, उसको अच्छे से भून लो। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, मतलब कोई वर्किंग मदर है तो घर पे आने के बाद भी कर सकते हो। कैरेट्स ऐड कर दो, अगर आप में से किसी को पॉसिबल हो तो सुबह से किनुआ आप सोक करके भी रख सकते हो, इवन दैट विल मेक थिंग्स लिटिल मोर ईजी। मिंट लीव्स या पुदीना जिसको हम लोग बोलते हैं वो ऐड कर दो। अभी हम लोग किनुआ और मूंग दाल जो हम लोगों ने थोड़े से दरदरे किए थे मिक्सी में डाल के, उसको डाल दो, पानी डाल दो। याद रखो ऑल ऑफ यू, स्पाइसेस में यूजुअली हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा जीरा पाउडर, नमक अगर बच्चा एक साल के ऊपर है तो ही, ये अगर आप लोग डालते हो तो इससे टेस्ट एनहांस होता है। सो यू कैन ऐड ऑन टू दीज थिंग्स। अगर बच्चे को डाइजेशन में तकलीफ है तो आप थोड़ा सा अजवाइन भी डाल सकते हो, और उसको आप कुकर को बंद करके 2 से 3 सीटी ले लो। एक बार आपने सीटी लेके हो गया, फिर आप उसको अच्छे से मिक्स कर सकते हो। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आप लोग उसको स्मैशर से थोड़ा ज़्यादा स्मैश करना, बड़ा है तो थोड़ा कम स्मैश करना, बट याद रखो बच्चा बीमार है तो स्मैश करके दोगे तो अच्छे से अच्छा क्वांटिटी पेट में जाएगा। थोड़ा सा घी ऊपर से डाल के सर्व अ टेस्टी फूड। ओके, खाना टेस्टी होना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बट एट द सेम टाइम कई बार पेरेंट्स बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं कि श्रेया मेरा बच्चा तो कुछ भी नहीं खा रहा है, श्रेया मेरा बच्चा पहले खाता था, मेरा बच्चा जब से बीमार पड़ा है तब से कुछ भी नहीं खा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बी रिलैक्स, बीमार पड़ने के बाद मुँह में स्वाद नहीं रहता, कई बार हम लोग भी कुछ नहीं खा पाते, तो बच्चा तो बहुत छोटा है। सो बच्चे का अगर खाने का इच्छा नहीं हो रहा तो हम लोग ये पूरा रिकवरी फूड का सीरीज करें जिसमें सूप्स है, पॉरेज जैसे खिचड़ी है, आप प्रिफरेबली इसमें से कोई चीज़ बच्चे को दो, तो आपको ऑब्जर्व होगा कि ये हेल्प कर रहा है बच्चे को रिकवरी में। सो यू शुड ट्राई एंड वर्क इन दिस डायरेक्शन, सो आपको हेल्प करेगा। बच्चे बार बार बीमार क्यों पड़ता है? सी, हम लोगों को क्या लगता है, बच्चे को सर्दी हुआ 15 दिन के बाद वापस सर्दी हुआ, 15 दिन के बाद वापस सर्दी हुआ, पिछले 2 महीने से मेरे बच्चे को सर्दी है। इट्स नॉट दैट सेम सर्दी बच्चे को है। सो बच्चे को यहाँ पे सर्दी हुआ, बच्चा कहीं 8 दिन के पीक पे गया, फिर सर्दी कम हुआ, वो सर्दी जब भी कम हो रहा था बच्चा ऑलरेडी बीमार है, तो बच्चे का इम्यूनिटी ड्रॉप है। ड्रॉप्ड इम्यूनिटी में बच्चे ने और एक वायरस को कैच कर लिया, तो सेकेंड सर्दी इमीजिएटली वापस कैच करना बहुत आसान हो जाता है बॉडी के लिए, तो वापस दूसरा सर्दी हुआ,
वहां से कहीं से बच्चा रिकवर होता है, नहीं तो तीसरा वायरस है। सो मतलब क्या है, सेम सर्दी 1-2 महीने नहीं है, बट वो बार बार रिकरण जो हो रहा है वो उनके ड्रॉप्ड इम्यूनिटी की वजह से हो रहा है। करना बहुत सिंपल है, हर्बल पोटली का सेक, बच्चे को अजवाइन का सेक, बच्चे को वार्म एनवायरनमेंट, बच्चे को सन बाथ, बच्चे के खाने में इम्यूनिटी बूस्टर्स मतलब विटामिन सी रिच चीज़ें, अगर ये चीज़ें आप लोग ऐड करोगे तो बच्चे का इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा। जब भी बच्चा रिकवरी फेज में है, प्रिफरेबली घर में, रिलेटिव्स में, अगर कोई घर पे आता है उनको, जिनको सर्दी खांसी है उससे आपको बच्चे को थोड़ा सा दूर रखना है। अगर बच्चा ऑलरेडी बड़ा है जो स्कूल वगैरह जाता है, तो प्लीज़ बच्चे को मास्क पहना के भेजो, वाइस वर्सा, हमारे बच्चे का किसी और को नहीं होना चाहिए, किसी और का हमारे बच्चे को नहीं होना चाहिए। तो दोनों ही चीज़ों का हम लोगों को ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि श्रेया मेरा बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, मतलब मेरा बच्चा वीक है, मेरे बच्चे का वेट ड्रॉप हो रहा है। येस दैट्स नेचुरल एंड नॉर्मल, बिकॉज बच्चा जब भी बीमार पड़ता है वो कहीं ना कहीं 200 ग्राम से लेके 500 ग्राम के बीच में वेट लॉस करता है। जिस वेट लॉस को रिकवर करना इज़ नॉट ईजी, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वेट लॉस को रिकवर करने के लिए। सो डोंट वरी, बीमार पड़ने के बाद कम खाना खाएगा, गोलियाँ खाएगा, वेट लॉस होगा, वो वापस रिकवर होने के लिए टाइम लगेगा, बस स्ट्रेस मत लेना। बट बच्चा अगर बार बार बीमार पड़ रहा है, मतलब आपको काम करना है बच्चे के वेट पे, बच्चे की इम्यूनिटी पे, बच्चे के विटामिन सी रिच फूड पे। एक बार चेक करके ले लो विटामिन डी डेफिशिएंसी है क्या बच्चे को, बिकॉज कई बार विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चे के सराउंडिंग में अगर किसी को इन्फेक्शन है तो बच्चे को कुछ दिनों के लिए उससे प्रोटेक्ट कर लो। एक बार बच्चा पूरा रिकवर हो जाएगा, एक हफ्ते भर में बच्चा अपना इम्यूनिटी वापस बूस्टअप कर लेता है, फिर आप लोग आराम से बच्चे को बाहर दोस्तों के साथ खेलने के लिए भेज सकते हो, जो चाहिए वो कर सकते हो। स्कूल अगर आपका बच्चा जा रहा है तो प्लीज़ मास्क पहना के भेजो, बिकॉज हम लोग स्कूल से छुट्टी नहीं ले सकते, और स्कूल में तो इतने बच्चों के साथ बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, सर्दी खांसी होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाय द वे, मायदूजा प्रोडक्ट लिस्ट में से हर्बल पोटली एंड कफ एंड कोल्ड रोल ऑन, ये दो चीज़ें आइडियली आप लोगों के पास होनी चाहिए। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ वंडरफुल टाइम, टेक केयर एंड बाय।